अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हमारे किचन में बन रहा है पे। मैंने हाफ के जी जो है वॉश किए हुए, यानी छिले हुए वॉश किए हुए मैंने प्रॉन्स लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने मसाले कुछ इस तरह लिए हैं कि 1.5 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और ये 1/4 टीस्पून जो है मैंने जायफल, 1/4 टीस्पून मैंने जवैत्री ली है पिसी हुई। इसके अलावा मैंने आलू बुखारे, इनको पहले से पानी में भिगो दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा साबित गरम मसालों में 1 टेबल स्पून मैंने साबित ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और ये 8-10 मैंने जो है लौंगे ली हैं। काली मिर्चें ली हैं, 3 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान और 5-6 मैंने लौंगे ली हैं, 3 तेज़पात लिए हैं। इसके अलावा इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ जाएंगे, आप बारीक कट कर लें या इसे पेस्ट बना लें, ठीक है। और ये मैंने हाफ बंच पुदीने का लिया है, हाफ बंच धनिए का, और मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जिसमें 2 मैंने पतली वाली ली हैं, 3 मोटी ली हैं, 2 लेमन जो कि 1 बिरयानी में जाएगा, 1 हम इसके ऊपर जो है वो जूस डालेंगे ताकि इसका जो है वो अच्छा सा एक अरोमा आ सके। और इसके अलावा ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की ले लें या 2 लार्ज प्याज ले लें, इनके स्लाइसेस कट कर लें क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने जो है आलू जो है वो बॉईल करके जर्दे के रंग डाल के बॉईल करके रख लिया है, हाफ डन करके रख लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, ठीक है। वैसे ये अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने ये पहले से बॉईल करके रख लिया है ताकि जल्दी कुक हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली दही, ठीक है। और ये आलू बुखारे एज़ यूजल सोक किए हुए। इसके अलावा ऑयल जाएगा 1 प्याली। और यहाँ पे मैंने चावल शो नहीं किए हैं, चावलों को मैंने जो है अच्छे बासमती चावल लेके, हाफ के जी मैंने प्रॉन्स लिए हैं तो मैंने हाफ के जी ही राइस लिए हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं तो 600 ग्राम जो है वो मैंने राइस लिए हैं जिनको मैंने धो के सोक कर लिया है। जब मैं उसको बॉईल करूँगी तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी। चले जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक लेमन को कट करना है और हमने यहाँ पे इस पे पूरे पे लेमन जूस जो है वो डाल देना है, 1 लेमन जूस, ताकि जो इसकी अपनी एक स्मेल होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो सके, ठीक है, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इससे। तो अब इस तरह करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिरयानी का मसाला। चलें जी, अब हम इसमें पैन में हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे 1 प्याली, ठीक है। चलें जी, अब हम जो है ऑयल गरम होते ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। ये प्याज हमने सारी जो है वो मसाले में यूज़ नहीं करनी है, हाफ मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी ताकि हम असेंबलिंग के वक्त उसमें ऐड कर सकें। प्याज जो है वो हम पहले से फ्राई करके भी रख सकते हैं, बट मैं जो है वो फ्रेश ही प्याज फ्राई करके उसमें ऐड करना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि वो एक अच्छा टेस्ट भी आता है और आप रखी हुई जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, ठीक है ना। आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश उसी वक्त जो है वो काट के उसी वक्त फ्राई करें, हाफ निकाल लें असेंबलिंग में ऐड करें, ठीक है। ये आपकी ऊपर है कि आप क्या इजी आपके लिए है, ठीक है। चलें इसे थोड़ा सा फ्राई होते हैं तो फिर मिलते हैं। चले जी, ये देखें लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है, इसी के साथ ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी, तो हमें बिल्कुल ब्लैक नहीं करनी है, जस्ट गोल्डन ब्राउन करनी है, ठीक है। और फिर मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी, बाकी मैं इसी में रहने दूँगी, ठीक है।
चलो जी, यहाँ पे मैंने हाफ प्याज निकाल लिया है, हाफ रहने दिए। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चियों का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, चलो जी, अब हम इसे सौते करते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये साबित गरम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारे मैंने साबित गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। ठीक है, फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है ताकि मसाला ना जल जाए। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम करके फिर ये सारी चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे। इसके बाद अब हम इसमें ये टोमेटोज़ भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो आलू जो है वो बॉयल करके रख लिए हैं, हाफ डन करके रख लिए हैं। अगर हमने बॉयल नहीं किए होते तो इस पॉइंट पे हम आलू भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अगर आप जल्दी में बना रहे हो तो आप इसकी प्यूरी भी बना के ऐड कर सकते हैं कि मुंह में ना आए इसके छिलके। ठीक है, चलो जी, ये टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं, इसी के साथ हम ये वाले मसाले भी ऐड कर देंगे जो हमने सारे सॉल्ट पेपर सारा कुछ लिया था। ठीक है, और इसे भी मिक्स करेंगे हम अच्छे से और फ्राई कर लेंगे मसाले को। अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1/4 कप मैंने ऐड किया है जस्ट सॉफ्ट करने के लिए। अगर आप प्यूरी यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी में जो है वो कुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी, अब हम इसकी लिड हटा के देखेंगे टोमेटोज़ की, और ये देखें टोटली कुक हो चुके हैं। अब हम इसका मसाला भूनते हुए इसमें हम दही ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम यहाँ पे इसे मिक्स करते हुए प्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि मसाला भी भुन जाए और प्रॉन्स भी। ये देखें, ये सारे प्रॉन्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको भून लेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा तो कुक होते नहीं हैं, इसीलिए हम बस मसाला रेडी रखेंगे और लास्ट में हम इसको भूनते हुए ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इसको जितना ज़्यादा कुक करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। ठीक है, बस इसमें लेमन लगा कर रखें, और जब बनाना है तो आप उस वक्त जो है वो ग्रेवी में ऐड कर दें। ठीक है, इसे हम अच्छे से भूनेंगे और इसी के साथ मैं इसको भूनते हुए, पहले मैं इसको 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लूँ। ठीक है, फिर मैं इसमें आलू और हरी मिर्चें ऐड करूँगी और आलू बुखारे भी। चले जी, ये देखें प्रॉन्स जो है वो भुन रहे हैं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो इसमें मैं अब जो है ये आलू बुखारे ऐड कर दूँगी, और ये हरी मिर्चें और ये आलू जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू जो है वो टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, नहीं पसंद तो नहीं ऐड करें, लेकिन अच्छे लगेंगे इसके साथ। ठीक है, चले अब हम इसे दोबारा से इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये वही पानी है इसका, अपना पानी है दही का जो हमने दही ऐड किया था। ठीक है, अब इसमें हम ये लेमन जूस भी ऐड कर देंगे।
जो एक लेमन हमने रखा था उठा के, और इसमें हम हाफ हरा धनिया पुदीना अभी ऐड कर देंगे और हाफ असेंबलिंग के वक्त इसमें ऐड करेंगे। चलिए जी, अब हम इसे सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अच्छे से इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। और राइस हमने सोख करके रखे हुए हैं, कम से कम राइस को आधे घंटा, कोई से भी राइस हैं सेला चावल के अलावा, बासमती चावल या जो भी आप चावल ले रहे हैं सेला के अलावा, वो आधे घंटे कम से कम सोख करेंगे। और सेला चावल अगर आप ले रहे हैं तो वो दो से ढाई घंटे आप उसे धो के सोख करेंगे, उसके बाद वो सही बनेंगे, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे ये हमारी प्रॉन्स की ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम राइस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसे हम साइड पे कर लेंगे, ये बिल्कुल कुक है और अब हम इसे साइड पे करेंगे और राइस बनाएंगे। राइस के लिए जो मैंने पानी जो बॉईल करने के लिए रखा है, इसमें मैंने एक टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, नींबू के स्लाइसेस डाले हैं और पुदीने के पत्ते डाले हैं और एक हरी मिर्च ऐड की है। इसके अलावा दो टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इसे हम थोड़ा सा बॉयल आने तक पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। चलो जी, ये चावलों का जो पानी है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ये सोक किए हुए राइस ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, इसे हमने 80-90% जो है वो कुक करना है, यानी एक कनी रहने देना है, ठीक है। यानी एक कनी कैसे पता चलता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें से एक दाना आपको कच्चा फील होगा, बिल्कुल डॉट सा, तो इट मींस के एक कनी रह गई है पकने के लिए, फुली कुक हो चुके हैं, बस हल्का सा कसर रह गई है, तो हमने इस टाइम पे इसको ड्रेन कर लेना है। चलिए, इसको मैं ड्रेन कर लेती हूँ, उसके बाद असेंबलिंग में मिलता है। चलिए जी, यहाँ पे मैंने पैन को जो है वो ग्रीस कर लिया है, यानी कि हल्का सा ऑयल या घी इस पे ऐड करेंगे एक टेबलस्पून, और फिर हम इसमें हाफ राइस जो है वो ऐड कर देंगे और हाफ जो है हम मसाला डालने के बाद ऐड करेंगे, ठीक है। ये हाफ राइस है और अब हम इसके साथ ये मसाला ऐड करेंगे जो हमने प्रॉन्स का बनाया है, ठीक है। ये देखिए, मैं पैन के साथ ही ऐड कर रही हूँ, इसी तरह करते हैं ना हम लोग घर में सब, तो हम वही देसी स्टाइल से ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने सारा जो है मसाला ऐड कर दिया है और अब हम बकिया राइस भी ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, राइस डालने से पहले जो हमने हरा धनिया पुदीना बचाया था वो ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम ये बकिया राइस पूरे ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये देखें, मैं बकिया राइस भी इसके ऊपर फैला दूंगी। हम जो हमने प्याज तली हुई जो है वो निकाली थी, इसे भी हम स्प्रिंकल कर देंगे, फैला देंगे, ठीक है। इस तरह आप चाहें तो और लेमन जूस जो है वो ऊपर से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे केवड़ा और जर्दे का रंग मिला के इसके ऊपर फैला देंगे। ये देखें, ये केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग है। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं जर्दे के कलर के साथ, आप येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो ड्रिजल कर देंगे ताकि हमारे राइस जो है वो बिल्कुल खिले खिले अलग अलग नज़र आए, ठीक है।
बस अब हम इसे दम पे रख देंगे स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। पहले हम 3-4 मिनट जो है हम इसे मीडियम हाई पे चलाएंगे फ्लेम, उसके बाद हम बिल्कुल दम वाली आँच यानी स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं दम लगने के बाद। चलिए जी, अब हम इसे लिड हटा के देखेंगे कि दम पे आ गए हैं या नहीं। ठीक है, ये देखें, इसे हल्का सा जो है बस साइड से इस तरह करेंगे। ठीक है, पूरा मिक्स नहीं करेंगे इसे हम। चलिए मिलते हैं फाइनल लुक पे। जी व्यूअर्स, ये है प्रॉन बिरयानी की फाइनल लुक जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। सर्दियों के मुनासबत से ये डिश बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। और जो प्रॉन्स को मैंने आपको कहा था कि लेमन लगा के रखिएगा ताकि उसकी स्मेल फील ना हो, वैसे तो फ्रेश हो तो उसमें स्मेल नहीं आती, अगर फ्रेश ना हो तो उसमें स्मेल आएगी, तो आपने घबराना नहीं है, बस आपने लेमन जूस लगा के उसको रखना है और इसे फटाफट बिरयानी बना लेनी है। ठीक है, आप ये मुझे बना के फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।